नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इनाब। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको, मध्य प्रदेश के गुना में बड़ा सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। 8 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है और 50 से ज्यादा मजदूर इस घटना में घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र से यूपी आ रहे थे सभी मजदूर, तभी मध्य प्रदेश के गुना में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ जहाँ पर 8 मजदूरों की मौत हो गई है। तो लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं मजदूरों से जुड़े हुए, जहां कई पैदल चलने वाले मजदूरों के ऊपर भी घायल हुए, सड़क हादसे का शिकार हुए। कई ट्रक से चलने वाले मजदूर सड़क हादसे का शिकार हुए। और एक और खबर सामने आई है जहां रोडवेज बस की ट्रक से भीषण टक्कर हुई जिसमें 8 मजदूरों की जान चली गई। तो बता दें, मध्य प्रदेश के गुना में एक भीषण सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 50 से ज़्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। यह हादसा कंटेनर और यात्री बस की आमने सामने की टक्कर से हुआ। सभी मजदूर कंटेनर में सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराए। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। ये मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महाराष्ट्र से लौट रहे थे। गुना के कैंट थाना इलाके के पास रात करीब 2:30 बजे यह हादसा हुआ। यात्री बस और कंटेनर में जबरदस्त टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 8 मजदूरों की वहीं मौके पर मौत हो गई और इस दुर्घटना में 55 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूर अपने परिवार के साथ कंटेनर में सवार थे। दुर्घटना होते ही कंटेनर का ड्राइवर घटनास्थल से भाग गया। जो कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें 60 से ज़्यादा मजदूर भरे थे। घर लौटने की मजबूरी में ये लोग इसमें ठूस ठूस कर भरे हुए थे। कंटेनर के अंदर दम घोटू माहौल था। टक्कर होते ही कंटेनर का ड्राइवर भाग खड़ा हुआ। इनका उपचार लगातार चल रहा है, डॉक्टर टीम द्वारा की जा रही है और जो मृत हुए हैं उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही इनको उनके निवास स्थान पे शवों को पहुँचाना और मजदूरों को उपचार बाद उनके निवास स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है और पुलिस टीम और प्रशासन की टीम इसमें हर संभव मदद के लिए प्रयास कर रही है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुना हादसे में सीएम योगी ने दुख जताया है। श्रमिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख की सहायता राशि देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। गंभीर घायल लोगों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। तो आपको बता दें, गुना हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया और ऐलान किया है कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे और वहीं घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। तो गुना हादसे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए सहायता राशि का ऐलान किया है। उन्होंने दुख जताया और उसके बाद मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। इसके अलावा जो घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। श्रमिकों की मौत पर सीएम योगी ने दुख जताते हुए सहायता राशि का ऐलान किया है। गुना हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई
और अन्य 50 मजदूर घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है।